विरोधियन के हाल बुरा भेल बिहार के शेर बेल पेल चाहे वाला सब लोग भागे ले दीवाना विरोधियन के सिर से छूट छे पसीना गाव छे स्वीटी प्रिया गीत हो मनीष भैया अब आबै छे मिल हो विरोधियन के हाल बुरा भेल बिहार के शेर बेल पेल क्या बात है क्या बात है। इनका कहना है कि बिहार की अच्छा भाषा में थोड़ा तुर के समझाओगी जी साफ शब्दों में। हम यही गाना के माध्यम से ये है कि अब क्या करे मनीष भैया स्वागत में आपके क्या करे। उसका हर वीडियो देखते हैं ये वाला देखे थे कि गरीब लोग रास्ता पे बच्चा सब छोटे छोटे जा रहे थे वो सबको बोझा उठा के दे रहे थे हेल्प कर रहे थे उसके पढ़ाई के बारे में। मनीष कश्यप को आप जानते हैं कितने दिनों से? जी बहुत दिन से जानते हैं जब हाँ जब तक ये सूरज और चांद रहे मनीष भैया आप हमेशा मेरे साथ रहे मनीष भैया आप हमेशा देश के साथ रहे। ये रहने वाली सुपौल की इसका नाम स्वीटी प्रिया है और इन दिनों देखा जाए तो आज ये मनीष कश्यप के घर पहुंची है मनीष कश्यप से मिलने के लिए और देखा जाए तो मनीष कश्यप के ऊपर भी जो गाना गाई है और तमाम सिंगर जो है मनीष कश्यप के ऊपर किस तरीके से गाना गाते हैं लेकिन एक लड़की जो है मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाई है जिसे भी हम सुनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत सारे तमाम लोग जो है मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाए हैं तो मैंने भी इंटरव्यू के जरिए आप लोगों को मैंने सुनाने का प्रयास किया था लेकिन ये ऐसी लड़की है जिनका मैं गाना आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा ये किस तरीके से और कैसा गाना गाइए। सबसे पहले बाबू तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल में। जी प्रणाम आप सबको। अच्छा रहने वाली सुपौल की आपका नाम स्वीटी प्रिया है जी। आप पारंपरिक गीत गाती है जी। भोजपुरी भी गीत गाती है लेकिन उसमें पारंपरिक गीत गाती है लेकिन अभी हम चाहेंगे कि बिना देरी किए मनीष कश्यप के ऊपर जो गीत तुम लाई है और उनसे मिलने के लिए भी आई है तो सबसे पहले वो गाने से शुरुआत हो जाए। स्वागत में आपके क्या करे मनीष भैया स्वागत में आपके क्या करे सौ बार आपको नमन नमन सौ बार आपको नमन नमन आने से आपके झूम रहे आने से आपके झूम रहे सौभाग्य मुझी को नमन नमन सौ बार आपको नमन नमन है श्रीमान है ज्ञान आप ही है श्रीमान है ज्ञान आप ही शिक्षा नीति का ज्ञान आप ही शिक्षा नीति का ज्ञान आप ही। चलिए इस तरीके से गाना गाई है मनीष कश्यप के ऊपर बाकी तमाम जो सिंगर लोग मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाते हैं शायद आप लोग सुने ही होंगे और किस तरीके से गाना गाती है शायद इस बच्ची के सामने मैं उस गाने को मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ उसका नाम भी नहीं मैं नहीं रखना चाहता हूँ लेकिन बाकी आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू के दौरान तो शायद आप लोग को समझ में ही गया होगा। अच्छा बाबू और भी कोई गाना है जो मनीष कश्यप के ऊपर आपने गाना गाई है तो उसमें का भी दो लाइन हो जाए। पहली बार जब आएंगे मनीष भैया पहली बार जब आएंगे खुशियों के मेले लाएंगे हम सब होंगे आपके खुशियों में मगन अरे अभी जाइए मनीष भैया अब गरीब है मजबूरी है गरीब है मजबूरी है एक जुदाई छाई है अरे अभी जाइए आप मनीष भैया अब। अच्छा यानी कि मनीष कश्यप के स्वागत के लिए यानी कि उनके आने की खुशी में आपने गाना गाई है बहुत सारा तमाम गाना गाई है। अच्छा और भी कोई गाना है मनीष कश्यप ऊपर या एक ही यही दो ही है? और है एक और हो जाए। जब तक सूरज और चांद रहे हाँ जब तक ये सूरज और चांद रहे मनीष भैया आप हमेशा मेरे साथ रहे मनीष भैया आप हमेशा देश के साथ रहे क्या ये विरोधी और ये लोग कहे क्या ये विरोधी और ये लोग कहे मनीष भैया आप गरीबों का थामा सदा ही हाथ रहे। अच्छा मनीष कश्यप को आप जानते हैं कितने दिनों से?
जी बहुत दिन से जानते हैं, जब से वो इतने मतलब गरीब के लिए आवाज़ उठाना शुरू किए तब से जानते हैं, और तब से मिलना चाह रहे थे मगर कारण बस नहीं मिल रहे थे। इस बार सोच रहे हैं कि सभी के सपोर्ट से हम उनसे मिले और वो भी मेरा गाना सुने। अच्छा, यानी कि आज मनीष कश्यप से मिलना है और बिल्कुल आप मिलेगी भी। अच्छा, मनीष कश्यप का कौन ऐसा पहला वीडियो था जो आपने देखा और वहाँ से उनको जो है पहचानने का आपने काम किया? हम उसका हर वीडियो देखते हैं। ये वाला देखे थे कि गरीब लोग रास्ता पे बच्चा सब छोटे छोटे जा रहे थे, वो सबको बोझा उठा के दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उसके पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। गरीब माँ सब मिलती है उसका मतलब हालचाल पूछते, उसके गरीबी को दूर करते हैं। कितने यही सब वीडियो देख करके उनको पहुँचाने का काम किया आपने। रहने वाली सुपौल की है। और कुछ कहेगी मनीष कश्यप को लेकर? जी हम चाहेंगे कि उनसे मिले और वो भी मेरा गाना सुने और हमको सपोर्ट करें। चलिए, यानी कि इनका कहना है कि मनीष कश्यप जी मेरा गाना सुने और वो भी मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हम मनीष कश्यप के ऊपर तो गाना गाए हैं लेकिन हम वो गाना नहीं गाए हैं जो कि मनीष कश्यप भी ना सुन सके। मनीष कश्यप के घर वाले भी सुन के जो है प्रसन्न हो जाएंगे इस बच्चिया का गाना। तो बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा।